नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग जिले में 10,06,221 बच्चों का खसरा मिजिल रुबेला का टीकाकरण करवा बीमारी से दूर रखने का प्रयास कर रही है। वहीं सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 26 नवंबर से 2 सप्ताह में मिजिल्स रूबेला का टीकाकरण प्राइवेट स्कूलों में लगाकर सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा, जिसमें 9 माह से लगाकर 15 वर्षों के बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए आशा बहु और ANM व शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों की मदद से स्कूलों में टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए शासन से 4,10,000 डोज वैक्सीन और सारे जो पोस्टर बैनर और मार्कर बच्चों को कार्ड उनके अभिभावकों के लिए कार्ड और वैक्सीन जो है वाराणसी से प्राप्त कर चुके हैं, उसको PCCSE पे पहुंचा दिया गया है। अब वहां से प्रतिदिन के आधार पर वैक्सीनेटर्स को दी जाएगी। अध्यापकों की मीटिंग हम विगत 1 माह से अध्यापकों की मीटिंग ट्रेनिंग, अभिभावकों की मीटिंग ट्रेनिंग, आंगनबाड़ी लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग और ANMs की तकनीकी ट्रेनिंग कर चुके हैं। 6 लाख सिरिंज आ चुकी हैं, जिसके लिए ANM को ट्रेनिंग देकर टीकाकरण के लिए लगाया गया है। प्रत्येक ANM को 200 बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके प्रचार प्रसार का गार्जियन को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बच्चों को बीमारी से दूर रखा जा सके।